देवोलेना भट्टाचार्य जी का फूटा गुस्सा कुंभ मेले में गैदरिंग को देखने के बाद। आखिरकार क्या है पूरे वजह, गुस्से के पीछे की वजह, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को बता दूं कि COVID-19 के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए हर एक लोग काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं। जहाँ एक बार फिर से कोविड का कहर इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, एक बार फिर से हम सभी की जिंदगी वहीं पर आकर खड़ी हो गई है जैसे पिछली बार हुए थे। लॉकडाउन के शिकार हुए थे सभी लोग लगातार। आपको मैं बता दूं कि अब इस बार फिर से वही सिचुएशंस जल्द आने को है। जिस तरीके से मुंबई महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, यहां तक कि हालांकि कुछ टाइम में संडे और सैटरडे वीकेंड्स को बंद कर दिया गया है, प्रॉपरली लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन केसेस अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे। इसी बीच देवोलेना भट्टाचार्य जी का कुछ लोगों पर यानी कि कुंभ के मेले के गैदरिंग को देखते हुए गुस्सा फूटा है। देवोलेना ने कुछ तस्वीरें शेयर की है कुंभ मेले की, जहां पर एक काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं जो एक साथ बिल्कुल भीड़ में एडजस्ट कर रहे हैं कुंभ के मेले में, और किसी ने भी मास्क का यूज़ नहीं किया है। तो इस तरीके से इस पिक्चर्स को देखने के बाद देवोलेना भट्टाचार्य जी काफ़ी नाराज़ हैं, और उनकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि उनका कहना है कि जहां एक ओर पूरी दुनिया के लोग कोविड से प्रोटेक्शंस कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुंभ के मेले में लोग इस तरीके से वहां पे गैदरिंग्स लगा कर बैठे हैं जैसे सिर्फ एक कुंभ का मेला ही ऐसा जगह है जो COVID-19 से बचा सकता है, COVID-19 प्रोटेक्टेड है। इस वजह से वहां पर लोगों ने ऐसी गैदरिंग बना दी है। और इस तरीके से वहीं आपको बता दूं कि देवोलेना ने इन्हें कोविडियट्स भी कहा है, यानी कोविड इडियट्स। इस तरीके से उन्होंने ये नाराजगी जो जाहिर की है वो जायज़ है, क्योंकि गैदरिंग्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जहां एक और सभी लॉकडाउन लगने के सिचुएशंस लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुंभ के मेले में ये गैदरिंग को देखना बेहद ही ज़्यादा भयावह तस्वीरें हैं। तो इस तरीके से देवोलेना भट्टाचार्य जी का गुस्सा फूटा है, जिस पर फैंस भी लगातार काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस दे रहे हैं, और कुछ हद तक फैंस भी देवोलेना के इन बातों पर अग्री कर रहे हैं। गाइज, आपका क्या है कहना और आपका क्या है मानना? क्या आप भी देवोलेना भट्टाचार्य जी की इन बातों पर एग्री करते हैं या नहीं, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।